अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां दक्षिण 24 परगना में बवाल की सूचना मिल रही है। नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद हंगामा हुआ। झाड़ू और डंडों के साथ सड़क पर उतर गए लोग। जॉयनगर के महिमारी पुलिस कैंप में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर शिकायत नहीं लिखने का आरोप लगा है। तो अभी की यह बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भारी बवाल हुआ है। तस्वीरें देखिए, एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा था, आक्रोश था, सड़कों पर उतर आए। पुलिस कैंप में भी ये लोग पहुंच गए। आप देख रहे हैं पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। दक्षिण 24 परगना से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से हमें जो सूचना मिल रही है, यहां पर एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, लाठी डंडे झाड़ू लेकर ये लोग पहुंच गए। वहां पर पास में जो एक पुलिस कैंप है, वहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। एक पुलिस वाला जो बाइक से जा रहा था, उसे भी लोगों ने घेर लिया। उसके बाद पास में जो पुलिस कैंप है, यहां पर पहुंच गए ये तमाम लोग, पुरुष महिला सभी लोग इसमें मौजूद भी हैं। मेरे साथ मनोज्ञा जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। मनोज्ञा, अभी क्या हालात हैं और कुछ जानकारी मिल पा रही हो तो बताएं। देखिए, स्थिति अभी भी नियंत्रण के बाहर है। कई इलाकों में पुलिस का नियुक्त किया गया है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और नाबालिग सब सड़क पर उतरे हैं, ये नाबालिग छात्रा कल रात को ट्यूशन पढ़ने गई थी और जब वापस घर नहीं लौटी, तो उसके बाद पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई गई और दर्ज कराने के बाद जब आज सुबह शव मिला है, तो इलाके में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन है इसके, जिस हालत में शव मिला है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है और उसके बाद उसको मार के वहां भेज दिया गया है। इस बात की भी जानकारी अब पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुलतली इलाके में, खासतौर से पूरे इलाके में, जो सिपाखाली इलाका है, वहां पर अभी भी तनाव का माहौल है। ठीक है, शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए। तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा वहां पर गुस्सा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।